आज मौजूद हूँ रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में। यहाँ पर तस्वीर की एक नुमाइश जारी है और इसमें कौन कौन सी तस्वीरें हैं? ये रियलिज्म कहलाता है। ये एक रियल फूल को देख के उसकी अकासी पेंटिंग में की गई है, ऑयल पेंटिंग में। ये लियोनार्ड एफ्रेमोव के स्टाइल में है बेसिकली। इसका नाम है मेलेडी ऑफ द नाइट। इसमें काफी टाइम लगा था इसको बनाने में, एंड इट्स मेड विद पैलेट नाइव्स एंड पेंट ब्रशेस। के है कल्चरल हेरिटेज के ऊपर, जिसमें मैंने लाहौर की बिल्डिंग्स को पेंट किया है, एंड इसमें मैंने थोड़े डार्कर टोन्स एंड लाइटर टोन्स को मर्ज किया है, जिसकी वजह से ये आपस में कंबाइन होकर पुरानी बिल्डिंग्स का इफेक्ट दे रही है। आई मेड दिस दरवेश और इसमें भी डिफरेंट मीडियम्स मैंने यूज किए हैं। इस साइड पे भी ऑयल्स हैं, ये सारी ऑयल पेंटिंग ही है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज। आज मौजूद हूँ रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में। यहाँ पर तस्वीर की एक नुमाइश जारी है और इसमें कौन कौन सी तस्वीरें हैं? कुछ लोगों ने कैलीग्राफीज की हैं और कुछ ने हकीकत पसंदाना तस्वीर बनाई है। मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मेरे साथ हैं आमिरा शाह, इन्होंने भी तस्वीर बनाई है और हमें ये पेंटिंग के बारे में भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज माशाल्लाह तस्वीर काफ़ी हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपने कौन कौन सी तस्वीर बनाई है और इनको क्या कहते हैं? मेरी यहाँ पे तीन पेंटिंग्स डिस्प्ले हैं। पहली जो है ये एक स्टिल लाइफ है, जिसके अंदर हमने एक स्टिल चीज़ों को, बेजान चीज़ों को रख के हमने उसकी पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग की तरफ आते हैं, ये रियलिज्म कहलाता है। ये एक रियल फूल को देख के उसकी अकासी पेंटिंग में की गई है, ऑयल पेंटिंग में। और अब हम तीसरी पेंटिंग की तरफ आते हैं। तीसरी पेंटिंग मेरी पैलेट नाइफ से है, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में भी कहलाती है। और ये पैलेट नाइफ के साथ थिक पेंट लेके और वन स्ट्रोक में ये पेंटिंग बनती है, वन गो में। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आमिरा शाह हमारा साथ देंगी, बाकी आर्टिस्ट से भी हम बात करेंगे। और उन आर्टिस्ट से बात करने के लिए मैं आमिरा को आज आप सभी ने MYK न्यूज़ की ये होस्ट हैं और हमें तस्वीर के बारे में भी बताएंगी और जो हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ की तरफ से मैं आपकी होस्ट हूँ आमिरा शाह। आज हम रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में एक तस्वीरी नुमाइश के अंदर शामिल हो रहे हैं और अपने फेलो आर्टिस्ट से बात करेंगे उनकी तस्वीरों के बारे में। मेरा नाम आमना इमरान मलिक है एंड मैं एग्जिबिट कर रही हूँ यहाँ पर पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स में आज। तो मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी डूइंग दिस। तो दीज आर माई पेंटिंग्स, और पहली वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वंस। ये लियोनार्ड एफ्रेमोव के स्टाइल में है बेसिकली। इसका नाम है मेलेडी ऑफ द नाइट। इसमें काफ़ी टाइम लगा था इसको बनाने में, एंड इट्स मेड विथ पैलेट नाइव्स एंड पेंट ब्रशेस। तो कुछ दो चार दिन लग गए थे इस पर, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत खूबसूरत मुझे लगा। और ये भी साथ में लियोनार्ड एफ्रेमोव से इंस्पायर्ड है। ये भी फूल हैं एंड आई रियली लाइक फ्लावर पेंटिंग्स, बहुत कलरफुल होते हैं और मैं चाहती थी कि ये कलरफुल हो। तो इसमें मैंने बहुत ब्राइट कलर्स डाले हैं, पैलेट नाइफ के साथ टेक्सचर बनाए हैं। और ये जो आखिरी वाली है, ये सूफी दरवेश है, और ये कलरफुल नहीं है लेकिन ये बहुत इंटेंस पेंटिंग है। जैसे आप इसको दूर से देखेंगे तो आप इसको रिकग्नाइज कर लेंगे। तो सिर्फ दो कलर्स हैं इसमें, लेकिन इसका इफेक्ट ऐसे आता है कि इट्स वेरी इंटेंस टू लुक एट, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयजा आज है और काम तो आप मेरा देख ही रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मुझे 2 साल हो गए हैं ये काम करते हुए और मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है जब मुझे अप्रिसिएशन मिलती है और लोग मेरे काम को सराहते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब महसूस होती है जब यंग टैलेंट जैसे 9th-10th की जो लड़कियाँ हैं वो मेरे काम को देख कर और इसको मतलब ख़ुद करने की कोशिश करती हैं, जैसे कैलीग्राफी है और अल्लाह का नाम लिखना, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। एक मैंने ये बनाया, ये भी रिसेंटली बनाया है, 1-2 हफ्ते हुए इसको बनाए हुए। इसमें मुझे बहुत मेहनत लगी है, नज़र भी आ रही है। और उसके अलावा ये भी इसी मंथ में मैंने एग्जीबिशन के लिए स्पेशली बनाई है और सुरेख क्लास लिखी हुई है। इसमें मैंने एक्रेलिक पेंट्स यूज़ किए हैं और उसके ऊपर मैंने वार्निश लगाया है। अच्छा, ये तीनों का मैंने सेट बनाया है और इसमें मुझे तकरीबन 5 से 6 दिन लगे थे, लेकिन मुझे बहुत बहुत मज़ा आया था ये पेंटिंग्स बनाने में।
और इसमें आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट डाला है और एक्चुअली लिखा वाला हूँ नूरु समावाती वल अर्द है, लेकिन थोड़ा सा लिखा है इस तरह से है कि महसूस नहीं हो रहा, एब्स्ट्रैक्ट मैंने पेंटिंग करने की कोशिश की है। और ये बनाने के 6 माह बाद मैंने इन दोनों का सोचा कि मैं क्यों ना साथ में सेट ऐड करूँ थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरती देने के लिए, और ड्राॅइंग रूम के लिए बेसिकली मैंने ये अपने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना मसूद और ये आप मेरा काम देख रहे हैं। आर्ट काउंसिल में एग्जीबिशन में मैंने पार्ट लिया है, मेरी कैलीग्राफी है, मतलब इसमें मैंने मीडियम के बारे में आपको बताऊँ, जिसमें मैंने ऑयल पेंट्स यूज़ की हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखें इसमें भी ऑयल पेंट्स के साथ मैंने इसकी कवरिंग कर दी, मतलब ऑयल पेंट ऑयल मीडियम है, ऑयल मीडियम के बाद उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैंने दुआ कनूत लिखी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफ अली है और ये मेरी पहली एग्जीबिशन है पंजाब आर्ट काउंसिल में। ये 2 पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं, एक पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट है और दूसरी कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट कर रही है। पहले एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बता देता हूँ, ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन है जो कि दूर से आपको बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगेगी, और इसके अंदर डिफरेंट कलर टोन्स मैंने यूज़ किए हैं। लाइक आप जैसे देख रहे होंगे कि ब्राइट टोन्स मैंने मिड में रखे हैं एंड डार्कर टोन्स इस साइड पर रखे हैं डिफरेंट ग्रीनिश टच के साथ, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लुक दे रही है। एंड दूसरी पेंटिंग है जो कि है कल्चरल हेरिटेज के ऊपर, जिसमें मैंने लाहौर की बिल्डिंग्स को पेंट किया है एंड इसमें मैंने थोड़े डार्कर टोन्स एंड लाइटर टोन्स को मर्ज किया है, जिसकी वजह से ये आपस में कंबाइन होकर पुरानी बिल्डिंग्स का इफेक्ट दे रही है। एंड नीचे मैंने एब्स्ट्रैक्शन में ही पेंट्स को यूज़ किया है, रेडिश टचेज हैं एंड साथ थोड़े से लोगों का इफेक्ट दिया है, जिससे ये एक सिटी की लुक आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोमना फियाज और मैं पेंटिंग 2 साल से कर रही हूँ, बट ये वाले जो मेरे काम हैं जो इधर लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, इनको करते हुए मुझे 2 महीने हुए हैं, 2.5 मंथ्स राउंड अबाउट हुए हैं। ये ऑयल पेंटिंग्स हैं और इस पे मोस्टली काम जो है वो पैलेट नाइफ से और ब्रश स्ट्रोक से हुआ हुआ है। ये सारा काम पैलेट नाइफ का है, ये भी सारा पैलेट नाइफ से और ये भी सारा पैलेट नाइफ से हुआ हुआ है। और ये मेरी ऑयल्स के साथ फर्स्ट पेंटिंग थी और उसके बाद मेरी ये वाली पेंटिंग आती है। जैसे कि एग्जीबिशन के थीम में एक पॉइंट था कि आपकी पेंटिंग सूफीज़म से रिलेटेड भी हो सकती है, तो आई मेड दिस दरवेश और इसमें भी डिफरेंट मीडियम्स मैंने यूज़ किए हैं, इस साइड पे भी ऑयल्स हैं, ये सारी ऑयल पेंटिंग ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने पैलेट नाइफ से काम किया हुआ है थोड़ा सा और इन चीज़ों को मैंने ब्रश से सेट किया हुआ है। देन मेरी ये कैलीग्राफी आती है, ये भी ऑयल से हुई हुई है और कैलीग्राफी में एक्रेलिक पेंट से भी करती हूँ, लेकिन ये मेरी ऑयल्स के साथ फर्स्ट कैलीग्राफी थी। और ऑयल पेंटिंग्स राउंड अबाउट टाइम लेती हैं 6 to 7 days का ड्राई होने के लिए। पहले आपको बेस बनानी पड़ती है, फिर आपको पेंसिल स्केच देना पड़ता है, फिर उसकी बेस पेंट करनी पड़ती है जो स्केच किया होता है आपने, और फिर आपको फाइनल स्ट्रोक देना पड़ता है। तो ऑयल पेंट्स ड्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो राउंड अबाउट आपकी पेंटिंग एक अच्छी पेंटिंग बनने के लिए 6 to 7 days से 12 to 15 days भी ले सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान शराज है और मैं एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ। आई बेसिकली बिलोंग टू रावलपिंडी। वेल, हेयर आर माय पेंटिंग्स। ये फर्स्ट वन इज़ द डोर ऑफ काबा। इसमें मुझे लगे हैं ऑलमोस्ट 2 मंथ्स और डिटेल्स तो आप देख सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली एक्रेलिक्स ऑन कैनवस एंड द सेकेंड वन इज़ आयतुल कुर्सी। हेयर वी आर and I have basically chosen mandala art here and the thing written inside is gold leaf